हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ना। चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज ये लास्ट हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अर्थ पर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, सनलाइट के अलावा जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ पर से मिलते हैं। एक सनलाइट हमें सन से मिलती है, बाकी के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें अर्थ पे से मिलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है कौन कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से है ये हमने देखा था। उसमें सबसे पहले देखा था लिथोस्फीयर, मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि अर्थ क्रस्ट पे आपको जितना भी वॉटर दिखेगा, ठीक है, चाहे वो सी हो, ओशंस हो, ठीक है, रिवर हो, पोंड हो, लेक हो, अंडरग्राउंड वॉटर हो, जो भी हो वो सारे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वॉटर का जो भी सोर्स है उस सबको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एटमोस्फियर। तो अर्थ के ऊपर एयर का जो ब्लैंकेट जैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था बायोस्फियर। तो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमोस्फियर में जो भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, लाइफ मिलेगी जो भी, वो सब क्या बोलेंगे हम, बायोस्फियर। और बायोस्फियर की वजह से ही लिथोस्फियर, एटमोस्फियर और हाइड्रोस्फियर तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहां तक हमने देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे पर्टिकुलर एयर के बारे में, मतलब कि एटमोस्फियर के बारे में। किसके बारे में पर्टिकुलरली, पहले एटमोस्फियर के बारे में देखेंगे। तो टॉपिक है द ब्रीथ ऑफ एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर, द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। हम सब कुछ लाइफ के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी लाइफ के लिए एयर को ब्रीथ करते हैं, इसलिए बोला है कि द ब्रीथ ऑफ लाइफ, सारी लाइफ का। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी लाइफ का वो ब्रीथ है, कौन है, एयर। सो द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर। ठीक है, अब एयर में हमें पता है कि अर्थ की जो एटमोस्फियर है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.07% अदर गैसेस। अर्थ के एटमोस्फियर में कौन सा गैस और एयर में कौन सा गैस कितने प्रोपोर्शन में है, ऐसा देखा था हमने। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 0.07% अदर गैसेस है, ये हमें पता है। ठीक है, फिर ये सारे गैसेस है, पर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम है, देखो 0.03%। ठीक है, अब हमारी रोज की एक्टिविटीज है, ठीक है, रोज की एक्टिविटीज है उसे अगर हम देखें तो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स और ट्रीज के अलावा बाकी सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो इसकी वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सेप्ट प्लांट एंड ट्रीज, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो इसकी वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड एड होता है ना। ठीक है, दूसरा कि हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज चलती है, इंडस्ट्रीज में से जो गैसियस वेस्ट निकलता है, फिर हमारे व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, उन सबकी वजह से एटमोस्फियर में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, दूसरा कई बार फॉरेस्ट में आग लगी हो तो आग की वजह से जो स्मोक निकलता है दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आग की वजह से, फॉरेस्ट की आग नहीं, कहीं पे भी अगर आग लगी है तो आग की वजह से जो स्मोक निकलता है दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा ही होगा न्यूज में या बस बहुत सारी जगह में, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट में आग लगी थी, वो कितने दिनों तक चली थी। तो सोचो इतने सारे ट्रीज बर्न हुए, इतने सारे एनिमल्स भी बहुत सारे उसमें चल गए, है ना, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ होगा ना। ठीक है, तो ये सारी इतनी सारी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड एड होता है।
जैसे कि होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है, फिर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकलता है दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज के बर्निंग से जो स्मोक निकलता है दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने सारे सोर्सेज है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर भी आपको दिख रहा है एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ अर्थ के एटमोस्फियर का बोल रही हूँ, ठीक है। तो अर्थ के एटमोस्फियर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस कैसे होता, हमारी हर रोज की एक्टिविटीज की वजह से इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फिर भी एटमोस्फियर में वो इतना ही क्यों है। इसका रीजन है ट्रीज एंड प्लांट्स। इसका रीजन क्या है, ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है। दो रीजन है, पहला है ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करते हैं, वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो कोई भी अदर एक्टिविटीज की वजह से एटमोस्फियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रीज एंड प्लांट्स क्या कर लेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनहेल कर लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन एड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, सबको पता ही है फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। दूसरा एक है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है इसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वॉटर के अंदर, वो भी सब कुछ आ गए, ठीक है। उनके ऊपर कई बार आपने देखा होगा कि एकदम हार्ड शेल होता है, जैसे टोर्टोइस के ऊपर होता है ना, जैसे टोर्टोइस के ऊपर एक कैसा हार्ड शेल होता है, ठीक है ना, उसके कोई कोई वजन रख दो फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे छोटे छोटे कीड़े हो पानी में रहने वाले वो भी, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी मछलियां ही आए, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो आपने देखा होगी कई बार उनके ऊपर एक शेल जैसा होता है, एकदम हार्ड होता है, जिसे हम गुजराती में शंख बोलते हैं, याद है, पता है सबको, ठीक है। तो ये सारी जो एकदम हार्ड शेल, जैसे कि टोर्टोइस का ऊपर का कवर होता है एकदम हार्ड कवर, तो ये सारे जो कवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में से बनते हैं। किसमें से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल्स है, वो अपना एक ऊपर का टफ हार्ड शेल बनाने के लिए भी वो एटमोस्फियर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो दो एक्टिविटीज है जिसकी वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रहता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्रीथ आउट, इन सबकी वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड एड होता है, पर वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज एंड प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं। और एक्वेटिक एनिमल्स बहुत सारे हैं कि जो अपने ऊपर का टॉप एकदम हार्ड कवर बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। इन दो प्रोसेसेस की वजह से एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रहता है। और ट्रीज क्या करती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इसकी वजह से एटमोस्फियर में ऑक्सीजन का भी एक बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एटमोस्फियर में होता है, ये सब कुछ एटमोस्फियर में होता है। हमारी अर्थ पे लाइफ है, हमने सुना होगा कि पूरे ब्रह्मांड में पूरे स्पेस में एक अर्थ ही ऐसा है कि जहां पे लाइफ है, एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है एटमोस्फियर। इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, एटमोस्फियर, कि लाइफ को जो गैसेस चाहिए वो गैसेस उसे एनवायरमेंट में से एटमोस्फियर में से इजीली मिलते हैं। लाइफ को जीने के लिए जो गैसेस जरूरी है वो सारे गैसेस एटमोस्फियर में से, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, एटमोस्फियर में से इजीली मिल जाता है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट का भी अपना एटमोस्फियर होगा, बट वो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम हाई होगा। बाकी सारे प्लैनेट का भी अपना खुद का एटमोस्फियर होगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे एटमोस्फियर नहीं है, वहां पे भी एटमोस्फियर है, बट यहाँ पे ये जो गैसेस का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन वहां पे कुछ अलग होगा, ठीक है। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं, कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं कर सकता, उसे इनहेल करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जैसे कि वीनस एंड मार्स, आपकी बुक में पर्टिकुलरली लिखा है
कि विनस और मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 95-97% कार्बन डाइऑक्साइड है। सोचो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% ही है। ठीक है, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है, जबकि विनस और मार्स के एटमॉस्फेयर पे तो 95-97% ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, 95-97% क्या है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड में लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अर्थ पे लाइफ है इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अर्थ पे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो कंसंट्रेशन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये गैसेस की वजह से लाइफ पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ विनस एंड मार्स कितना है, 95-97% कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ विनस एंड मार्स कितना है, 95-97%। ठीक है, और अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन होता है, एक तो ट्रीज और प्लांट्स की वजह से और दूसरा एक्वेटिक एनिमल्स की वजह से। ठीक है, ट्रीज और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहता है। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है जो अपने ऊपर का हार्ड टफ एक कवर बनाते हैं, वो कवर बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेन रीजन है कि जिसकी वजह से अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मेंटेन होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रोल ऑफ द एटमोस्फियर इन क्लाइमेट कंट्रोल। रोल ऑफ द एटमोस्फियर इन क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल मतलब कि जल्दी से एटमॉस्फेयर गर्म ना हो जाना, ठंडा ना हो जाना, अर्थ पे जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करना, वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से। द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। ठीक है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पर टेम्परेचर ड्यूरिंग डे सनलाइट मिलती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, बट एटमॉस्फेयर की वजह से वो टेम्परेचर एकदम हाई नहीं हो जाता और ड्यूरिंग नाइट वो टेम्परेचर एकदम लो नहीं हो जाता। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर। ठीक है, अर्थ पे एटमोस्फियर है इसी वजह से ड्यूरिंग डे उसका टेम्परेचर एकदम हाई नहीं होता और ड्यूरिंग नाइट वो टेम्परेचर एकदम लो नहीं होता। एटमोस्फियर है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब एटमोस्फियर में ऐसी कैपेसिटी है कि वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है। एटमोस्फियर का एक उसकी एक क्वालिटी है कि वो हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, बट ड्यूरिंग डे वो जो हीट ऑब्जॉर्व करता है उसका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ड्यूरिंग डे टेम्परेचर हाई नहीं होता। बट ड्यूरिंग डे थोड़ी बहुत जो भी हीट उसने ऑब्जॉर्व की है वो रात को काम आती है, वो हीट की वजह से ही रात को टेम्परेचर लो नहीं होता। एटमोस्फियर क्या करता है, ड्यूरिंग डे सनलाइट में से जो हीट मिलती है वो हीट थोड़ी 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 वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, वो थोड़ी थोड़ी हीट वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, उसी की वजह से अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता है ड्यूरिंग डे, बट वो ऑब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा नहीं होता कि टेम्परेचर 60 या 70 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें 40-41-45 ऐसा मिलता है। ठीक है, कई बार आपने समर सीजन में सुना होगा कि आज का टेम्परेचर तो 45 डिग्री सेल्सियस था, इतना ज्यादा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी हमें बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आप देखना जिस दिन न्यूज में आप ड्यूरिंग समर आप न्यूज ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से सिटी का कौन से दिन पे कितना टेम्परेचर था। कई बार अगर 45 डिग्री सेल्सियस आपके सिटी का अगर आपको किसी दिन समर में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना तो उस दिन न्यूज पे आप देखना कि आपके सिटी का कितना
का टेम्परेचर था मैक्सिमम 42 to 43 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर वो 45 में भी चला गया ना तो भी हमें बहुत गर्मी लगेगी, और आप घर के बाहर निकलोगे ना तो आपको सनलाइट एकदम चुभती है ऐसा लगेगा। सनलाइट क्या लगेगा, एकदम आपको चुभती है ऐसा लगेगा, एकदम हार्श होगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पे अगर बढ़ेगा, अगर वो टेम्परेचर 45 तक ठीक है, अगर वो टेम्परेचर कभी भी 50 के अबो चला गया तो हम इजीली अर्थ पे नहीं रह पाएंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इतना ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एटमोस्फियर। ठीक है, कौन करता है ये मेंटेन करने का काम, एटमोस्फियर। ठीक है, तो मैंने आगे क्या बोला कि ड्यूरिंग डे सनलाइट में से एटमोस्फियर थोड़ी थोड़ी हीट अब्सॉर्ब करेगा, बट वो एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा नहीं है कि टेम्परेचर एकदम बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा वो अब्सॉर्प्शन करेगा। और ड्यूरिंग डे उसने जो भी थोड़ा थोड़ा अब्सॉर्प्शन किया है, ड्यूरिंग डे उसने जो भी थोड़ा थोड़ा सा अब्सॉर्प्शन किया है, वो हीट उसे रात में काम आए, वो हीट क्या होगी, उसे रात में काम आए। अब ऐसा नहीं होता कि दिन में उसने जो भी थोड़ी बहुत हीट अब्सॉर्ब की है वो रात को एकदम बाहर चली जाएगी, वो रात को एकदम निकल जाएगी और रात को टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एटमोस्फियर में जो दिन में जो भी हीट थोड़ी बहुत अब्सॉर्ब की थी वो ड्यूरिंग नाइट वो अपने पास रखता है, ड्यूरिंग नाइट वो क्या करता है, अपने पास रखता है ताकि एटमोस्फियर का टेम्परेचर एकदम लो ना हो जाए और रात को एकदम ठंड बढ़ना जाए। ठीक है, इसीलिए रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होता और ना और डे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, क्योंकि ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, एटमोस्फियर करता है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ड्यूरिंग डे टेम्परेचर एकदम बढ़ जाए और ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर एकदम लो हो जाए तो हमारी बॉडी ये डिफरेंस सही नहीं कर पाए। ठीक है, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रात में बहुत कम हो ऐसा डिफरेंस सहन नहीं कर पाती, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ये डिफरेंस सहन नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एटमोस्फियर। इसीलिए बोला है कि द रोल ऑफ एटमोस्फियर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब कि एटमोस्फियर का टेम्परेचर, अर्थ पर टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, एटमोस्फियर। अब आपने कई बार सुना होगा कि मून, जिसे हम चांद बोलते हैं, मून उस पर एटमोस्फियर नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हमें पता है कि मून है वो प्लैनेट नहीं है, मून ही क्या है, अर्थ का सैटेलाइट, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट। ठीक है, तो प्लैनेट्स के ऊपर अपना एटमोस्फियर होगा, सारे प्लैनेट्स जो एक प्लैनेट्स है ना। ठीक है, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स है, एट प्लैनेट्स, तो सारे एट प्लैनेट्स का अपना अपना एटमोस्फियर होगा, बट एटमोस्फियर के हिसाब से उसका एटमोस्फियर अर्थ जैसा नहीं है, इसीलिए उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो मून एक ऐसा अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, हमें पता है, नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड नहीं। मैन मेड तो बहुत सारे इंसानों ने छोड़े हैं, वो बात ही अलग है। ठीक है, तो नेचुरल अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, जो कौन है, मून है। ठीक है, तो हमें पता है कि मून पर कोई भी एटमोस्फियर नहीं है, मून पर क्या है, एटमोस्फियर नहीं है। इसीलिए तो स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स जब मून पे गए थे, अभी तक जितने भी एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए हैं वो सारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे एटमोस्फियर नहीं है तो वहां पे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता। ठीक है, तो मून पर एटमोस्फियर नहीं है, तो मून पर एटमोस्फियर नहीं है तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं होगा। अर्थ पे तो एटमोस्फियर है, इसी वजह से ड्यूरिंग डे और नाइट टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, बट मून पर एटमोस्फियर नहीं है, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं हो पाता। मून पर एटमोस्फियर नहीं है इसलिए वहां पे क्या होता, टेम्परेचर कंट्रोल भी नहीं हो पाता। तो मून का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है -190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius। मून पर टेम्परेचर कैसे रेंज करता है, -190 degrees Celsius to 110 degrees Celsius। सोचो, 0 degree, सिर्फ 0 degree Celsius हो तो पानी बर्फ बन जाता है, पानी जम जाता है। सिर्फ 0 degree Celsius हो तो पानी क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो सोचो -190, जीरो से भी नीचे, -190
माइनस वन या माइनस टू नहीं है, माइनस 190। इतना लो टेम्परेचर सोचो, इतना लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट होगा, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट उसे सनलाइट नहीं मिली। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग नाइट वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, माइनस 190, इतना लो, और ड्यूरिंग डे 110 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई। कभी सोचो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया कि कभी अगर अर्थ का एटमोसफियर 45 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये 110 डिग्री सेल्सियस तो कितना हाई होगा सोचो। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर एक एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बढ़े तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो गर्मी इतनी नहीं लगती, बट उसके बाद अगर एक एक डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा तो भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो सोचो ये 110 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हाई टेम्परेचर होगा। 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब वॉटर वेपर बनने लगती है, पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉटर क्या करता है, उबलने लगता है, उसमें से वॉटर वेपर बनने लगती है, स्टीम बनने लगती है, स्टीम बनने लगती है ना, तो सोचो ये 110 कितना हाई होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट माइनस 190 डिग्री सेल्सियस जितना लो टेम्परेचर, जितना लो टेम्परेचर होता है, और ड्यूरिंग डे 110 डिग्री सेल्सियस जितना हाई टेम्परेचर होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज वहां पर एटमोसफियर नहीं है तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता। अर्थ पे एटमोसफियर है तो वो एटमोसफियर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि एटमोसफियर है वो हीट को ऑब्जॉर्व करता है, एटमोसफियर क्या करता है, हीट को ऑब्जॉर्व करता है, तो थोड़ी बहुत हीट ऑब्जॉर्व करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी करेगा, इसलिए डे में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता। अगर वो ज्यादा ऑब्जॉर्व करता तो डे के ड्यूरिंग डे टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाता ना। ठीक है, अर्थ की बात करें, अर्थ के एटमोसफियर की, तो अर्थ का एटमोसफियर ड्यूरिंग डे थोड़ी थोड़ी हीट ऑब्जॉर्व करता है, इसीलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और वही हीट वो रात को यूज करता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसी हीट की वजह से रात को टेम्परेचर एकदम लो नहीं होता। आगे समझ में, ठीक है, मून पर टेम्परेचर नहीं, मून पर एटमोसफियर नहीं है, इसीलिए टेम्परेचर रेंज इतना लो टू इतना हाई। क्लियर, ठीक है, आगे समझ में, तो ये था रोल ऑफ एटमोसफियर इन क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, अब हमें जो था मूवमेंट ऑफ ए विंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, तो मूवमेंट ऑफ ए विंड्स, अब हमने देखा है कि विंड्स आते हैं, पवन जिसे हम बोलते हैं, तो ये विंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, पवन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, विंड अपनी मूवमेंट कैसे कर पाता है, वो होता है एटमोसफियर की वजह से। किसकी वजह से होता है, एटमोसफियर मतलब एयर, एटमोसफियर मतलब क्या है, एयर, तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से होता है। तो मूवमेंट ऑफ ए विंड्स, द मूवमेंट ऑफ ए एयर की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, विंड्स बोलेंगे। ठीक है, एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम बोलते हैं विंड्स, क्या बोलते हैं उसे, विंड्स। तो ये होता कैसे, तो ये होता कैसे, इसके पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे, इसके पहले हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे। ठीक है, आपने एक बीकर में सैंड भरी है और एक बीकर में वॉटर भरा है, दो अलग अलग बीकर, दो अलग अलग क्या करोगे आप, बीकर लोगे, एक बीकर में सैंड भरो और दूसरे बीकर में क्या भरोगे आप, वॉटर भरो। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, इसमें क्या भरा है आपने, सैंड भरा। ठीक है, क्या है, बोतल भरा। ठीक है, और एक बोतल कांच की लोगे आप, एक बंद बोतल लोगे कांच की एक क्या लोगे आप, बंद बोतल लोगे जिसके अंदर कुछ भी भरना नहीं। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया होगा, कोर्क मतलब की ढक्कन, कोर्क मतलब उसके ऊपर उसका क्या लगाया है, ढक्कन लगाया है। ठीक है, और ढक्कन में एक छोटा सा होल है जिसकी वजह से थर्मोमीटर अंदर जा रहा है, अंदर का थर्मोमीटर ले जा सको, वैसा है, कोर के अंदर क्या है, एक छोटा सा होल है जिसकी वजह से थर्मोमीटर अंदर जा सके। ठीक है, बाकी की थर्मोमीटर को होल में से आपने एक बार थर्मोमीटर अंदर जाने दिया, फिर वो एकदम जगह पैक हो जाती है कि
एयर अंदर बाहर ना हो सके, ठीक है। पहले उसमें एक छोटा सा होल था तो उसमें एयर अंदर बाहर हो सकती, बट वो होल में से आपने अंदर क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर रख दिया, ठीक है। अब वो फिट एकदम बैठ गया, जो होल था उसमें थर्मोमीटर एकदम फिट बैठ गया, अब एयर है वो अंदर बाहर नहीं हो सकती। अब आपको क्या करना है, आपने एक बीकर में सेंड ली है, दूसरे बीकर में क्या लिया है, वोटर लिया, ठीक है। दो अलग अलग फिर से थर्मोमीटर दो, मतलब कि टोटल आपको तीन थर्मोमीटर चाहिए होगा। ये वाला थर्मोमीटर यहीं पे रखना है, यहाँ से निकालना नहीं, ये वाला थर्मोमीटर यहाँ से निकालना नहीं है। फिर दो अलग अलग और थर्मोमीटर लो, टोटल कितने चाहिए होंगे, थ्री, एक यहाँ पे, एक वोटर में और एक सेंड, टोटल थ्री थर्मोमीटर रखो, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो, वहां से निकालना नहीं। अब क्या करोगे आप, आपके रूम में जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है वहां पे रख के वोटर वाला जो थर्मोमीटर था उससे वोटर का टेम्परेचर मेजर करो, और सेंड वाला जो थर्मोमीटर था उससे सेंड का टेम्परेचर मेजर करो। और ये सेंड बहुत ज्यादा धूप हो और गर्म हो गई हो, या तो वोटर गर्म हो गया हो, ऐसा वोटर या तो सेंड आपको नहीं लेना, ठीक है। धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से वोटर या तो सेंड एकदम गर्म हो गए हो, वैसे नहीं लेने, नॉर्मल टेम्परेचर वाले ही लेने, ठीक है। तो दो अलग अलग थर्मोमीटर लिए थे आपने, एक वोटर का और सेंड का, ठीक है। तो वोटर के थर्मोमीटर से वोटर का टेम्परेचर मेजर करो, उसे बुक में नोट डाउन करो, ठीक है, कि विदाउट सनलाइट वोटर का टेम्परेचर कितना था वो मेजर करके बुक में नोट डाउन करो। फिर वैसे ही दूसरे जो सेंड का थर्मोमीटर था उससे सेंड का टेम्परेचर मेजर करो, उसे भी बुक में नोट डाउन कर लो कि विदाउट सनलाइट सेंड का टेम्परेचर कितना था। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को इसको खोलना नहीं है, टेम्परेचर इसमें थर्मोमीटर भी निकालना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। तीनों को ले जाके सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख दो, तीनों को ले जाके क्या करोगे आप, सनलाइट में रख दो, ठीक है। दो तीन घंटे के लिए तीनों को एकदम सनलाइट, जैसे कि 12 दोपहर के 12-1 बजे कितनी धूप होती है, वैसी धूप में इन तीनों को रख दो तीन घंटे के लिए, ठीक है। दो तीन घंटे के लिए रखोगे तो ऑब्वियसली सेंड भी गर्म होगी, वोटर भी गर्म होगा, और इसके अंदर जो एयर भरी होगी वो एयर भी गर्म होगी, ठीक है। फिर दो तीन घंटे के बाद उसे अंदर ले लो और टेम्परेचर मेजर करो। सनलाइट की वजह से वो गर्म हुआ होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर आपको हाई मिले, ठीक है। तो वो भी टेम्परेचर नोट डाउन कर लो। आफ्टर हीटिंग वोटर का टेम्परेचर, आफ्टर हीटिंग मतलब कि सनलाइट की वजह से, आपको बर्नर से गर्म नहीं करना है, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग वोटर का टेम्परेचर कितना है वो मेजर करो, सेंड का टेम्परेचर कितना है वो मेजर करो, और इसका थर्मोमीटर से देख लो कि कितना टेम्परेचर है। अभी भी थर्मोमीटर निकालना नहीं है, ऐसे ही रखो, मेजर कर लिया तो आपको दिखेगा कि वोटर सबसे ज्यादा आपको टेम्परेचर सेंड का मिलेगा, किसका मिलेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको सेंड का मिलेगा, ठीक है। उससे कम वोटर का मिलेगा और उससे कम एयर का मिलेगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर सनलाइट में रखने के बाद सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका मिलेगा, सेंड का मिलेगा। उससे कम वोटर का मिलेगा और उससे कम एयर का मिलेगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, एयर भरी, ठीक है। तो आपको लगेगा, आपको आप इससे समझ पाओगे कि सनलाइट की वजह से सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है, सेंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे जब अर्थ पर सनलाइट आती है तो रिवर का, पॉन्ड का, लेक का, ओशन का, सी का जो भी वोटर है वो गर्म होगा, ऑब्वियसली होगा, बट उससे ज्यादा गर्म कौन होगा, अर्थ क्रस्ट, क्योंकि वो किससे बनी है, सेंड से बनी है। अर्थ क्रस्ट किससे बना है, सेंड से बना है। तो ड्यूरिंग डे अर्थ क्रस्ट का टेम्परेचर जल्दी ज्यादा, एकदम जल्दी से इंक्रीज होगा कंपेयर टू वॉटर। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि वॉटर के कंपैरिजन में सेंड का टेम्परेचर ज्यादा मिलता है सनलाइट लेने के बाद। सनलाइट इसमें दो तीन घंटे, सनलाइट हमने दोनों को एक ही टाइम के लिए एक बाजू बाजू में ही रखा था, ठीक है। एक को ज्यादा रखा, एक को कम रखा, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम टाइम के लिए बाजू बाजू में एक, जैसी ही उसे सनलाइट मिले वैसी ही पोजिशन में रखा। तो आप नोट डाउन करोगे कि सेंड का टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलता है उसकी कंपैरिजन में वोटर का कम मिलता। तो इससे हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे वोटर की कंपैरिजन में सेंड है वो जल्दी से गर्म होती है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने रूम में ले लिया, छांव में रख दिया, ठीक है। सबको रूम में ले लिया, छांव में रख दिया आपने, ठीक है। अब उसे ऐसे ही दो तीन घंटे के लिए ऐसे ही छांव में रखो, फिर से टेम्परेचर मेजर करो, छांव में रखो, ठंडा होने दो, फिर से टेम्परेचर मेजर करो। तो आप देख पाओगे कि सेंड है वो जल्दी से ठंडी होती है, जबकि वोटर को ठंडा होने में देर लगती है। सेंड है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है, जबकि वोटर है वो गर्म होने में भी देर लगता है और ठंडा होने में भी देर लगता है, ठीक है। धीरे धीरे
गर्म होगा, एक बार गर्म हो गया बाद में ठंडा भी धीरे धीरे होता है, और सैंड क्या है एकदम जल्दी से गर्म हो भी जाती है और इतनी जल्दी से ठंडी भी पड़ जाती है, और ये जो यहाँ पे एयर भरा था वो भी धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इसी की वजह से तो दिन का टेम्परेचर जल्दी बढ़ नहीं जाता और रात का टेम्परेचर जल्दी से कम नहीं हो जाता, वो आपको यहाँ से दिखेगा कि आपने सनलाइट में रखा था तो एकदम से जल्दी से टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, और जब इसे आपने छाव में रखा था तब जल्दी से डिक्रीज भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंड है वो जल्दी से गर्म भी होती है और जल्दी से ठंडी भी होती है, और वोटर को गर्म होने में भी देर लगती है और ठंडा होने में भी देर लगती है। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना, इसी का यूज करके हम नेक्स्ट ईयर बिल्ड कैसे क्रिएट होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कंसेप्ट को याद रखना कि सेंड जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी होता है, जबकि वोटर जल्दी से धीरे धीरे, जल्दी से नहीं, वोटर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम ये विंड कैसे क्रिएट होते हैं वो देखेंगे। ड्यूरिंग विंड होते कैसे, ड्यूरिंग डे विंड कैसे कवर होता, कन्वर्ट ड्यूरिंग डे विंड कैसे बनता है, कैसे होता है, और ड्यूरिंग नाइट विंड कैसे होता है, वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं, ये सब कुछ विंड कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।